नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सोरबिलाइन सिरप का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, सोरबिलाइन सिरप को कैसे लेना चाहिए और सोरबिलाइन सिरप की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि सोरबिलाइन सिरप को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में सोरबिलाइन सिरप को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। सोरबिलाइन सिरप का उपयोग फैटी लिवर होने पर किया जाता है। फैटी लिवर होने पर लिवर के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक हो जाती है और लिवर के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है, जिसकी वजह से लिवर की कार्य प्रणाली बिगड़ सकती है और लिवर अच्छी तरह से काम नहीं कर पाता है। सोरबिलाइन सिरप लिवर में जमा फैट को कम करती है और लिवर की कार्य प्रणाली को अच्छा बनाती है। कभी कभी डॉक्टर कब्ज की समस्या को ठीक करने के लिए भी सोरबिलाइन सिरप को लेने की सलाह दे सकते हैं। सोरबिलाइन एक ब्रांड नेम है। सोरबिलाइन सिरप के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन ट्राइकोलिन सिट्रेट और सोरबिटोल होता है। दोस्तों, कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि सोरबिलाइन सिरप को कैसे लेना रेकमेंडेड होता है। सोरबिलाइन सिरप को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। आमतौर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर सोरबिलाइन 10 मिलीलीटर सिरप से लेकर सोरबिलाइन 20 मिलीलीटर सिरप को दिन में 2 बार लेने की सलाह देते हैं। सोरबिलाइन सिरप की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको सोरबिलाइन सिरप को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना सोरबिलाइन सिरप को नहीं लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि सोरबिलाइन सिरप की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में सोरबिलाइन सिरप की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में सोरबिलाइन सिरप की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, पेट से गैस निकलना, मुंह में सूखापन और नींद अधिक आना आदि साइड इफेक्ट्स सोरबिलाइन सिरप की वजह से हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि सोरबिलाइन सिरप को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में सोरबिलाइन सिरप को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। सोरबिलाइन सिरप को लेने के बाद आपको शराब का सेवन नहीं करना चाहिए और सोरबिलाइन सिरप को लेने के बाद ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए और ऐसी मशीनों पर काम भी नहीं करना चाहिए जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतर्कता की आवश्यकता होती है, क्योंकि सोरबिलाइन सिरप को लेने के बाद कुछ व्यक्तियों की मानसिक सतर्कता कम हो सकती है। अब हम जानेंगे कि क्या प्रेग्नेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं सोरबिलाइन सिरप को ले सकती हैं या नहीं। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए सोरबिलाइन सिरप का सेवन करना रेकमेंडेड नहीं है, इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को सोरबिलाइन सिरप को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को सोरबिलाइन सिरप को नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका सोरबिलाइन सिरप से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।